हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन। दोस्तों, आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ। दोस्तों, इस नए वीडियो में हम आपको आज जो टॉपिक लेके आए हैं दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, वो है पीआईडी कंट्रोलर। पीआईडी कंट्रोलर दोस्तों, अपने आप में लगता है कि पता नहीं क्या एकदम हाइपर चीज है और उसको हम कैसे समझे, तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। हाँ, ये अगर जैसे आपके पास सामने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है तो उसको एनालिसिस करने में एक्चुअली हमें पेशेंस चाहिए होता है। वंस वी नीड अ पेशेंस, अगर हमारे पास पेशेंस होगा तो हम इजीली जो उस लूप में प्रॉब्लम आ रही होगी उस लूप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो उस लूप की प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त कुछ चीजें ऐसी हो रही होती हैं जिसके कुछ टर्म्स होते हैं, उस टर्म्स को आज मैं एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद पीआईडी में पी का क्या रोल होता है, आई का क्या रोल होता है और डी का क्या रोल होता है, यानी प्रोपोर्शनल, इंटीग्रेटिव और डेरिवेटिव, यानी इन तीनों का क्या रोल होता है, ये तीनों कंबाइंड कैसे काम करती है, दो मिलकर कैसे काम करते हैं, ये हम आज डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आप पेशेंस रखिएगा। इस वीडियो में हम खाली तीन पैरामीटर्स के बारे में बताएंगे कि वो काम क्या करते हैं, उसके बढ़ाने से या घटाने से होता क्या है। अगला वीडियो जो आएगा उसमें पी कंट्रोलर, पीआई कंट्रोलर, पीआईडी कंट्रोलर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, हर बार की तरीके अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ना करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आप देखिए वीडियो सेक्शन में जाके एक से एक बेहतरीन वीडियो मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास मेंबरशिप भी चल रही है, अगर आप मेंबरशिप लेंगे तो उन मेंबरशिप के लोगों को स्पेशल वीडियोस बना के हम देते हैं। उसके अलावा आप हमसे नॉर्मल वीडियोस के लिए रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए, हम आपको ले चलते हैं स्क्रीन पे और स्क्रीन पे देखते हैं कि वहां पे क्या चल रहा है। ठीक है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि हमने एक किसी गाड़ी के व्हील को, सपोज करिए गाड़ी है, उसके व्हील को हमने क्या किया, हमने कहा एक कमांड दिया कि 15 डिग्री पे वो रोटेट कर जाए। तो 15 डिग्री पे रोटेट करेगी, कितना करेगी, कैसे करेगी, ये हमें नहीं पता। ये तो हो गई एक प्रॉब्लम। उसी तरीके से एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, जैसे कि आपने स्क्रीन पे देखा कि हमने कंट्रोल लूप ले रखा है, उसमें हम एक कंट्रोल वॉल्व से एक फ्लूड का जो फ्लो है उसे कंट्रोल करा रहे हैं, लेकिन उस फ्लो को कंट्रोल कराने के लिए जो कंट्रोलर इस्तेमाल हो रहा है वो कंट्रोलर कितना एक्यूरेटली हमारे इनपुट को, यानी सेट पॉइंट को ट्रैक कर पा रहा है हमारे आउटपुट से, यानी जो फील्ड पे फ्लो चल रहा है वो कितना ट्रैक कर पा रहा है सेट पॉइंट से, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आता है पीआईडी कंट्रोलर। अब उसको पढ़ने से पहले हम कुछ, जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ टर्म्स हमको डिस्कस करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला है क्लोज लूप कंट्रोलर। क्लोज लूप कंट्रोलर का मतलब क्या होता है कि ऐसा कंट्रोलर जिसके पास एक फीडबैक आता है, उस फीडबैक को वो अपने सेट पॉइंट से कंपेयर करता है, कंपेयर करके एक एरर का सिग्नल जनरेट करेगा जो मेरे कंट्रोलर में जाएगा और वो कंट्रोलर 4 to 20 मिली एम्पीयर की सिग्नल में कन्वर्ट करके हमारे सिस्टम को भेजेगा, ताकि हमारा आउटपुट जो है उसके अकॉर्डिंग, यानी हमारे सेट पॉइंट के अकॉर्डिंग करेक्ट हो जाए। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है, सिग्नल जो एक्चुअली जो फीडबैक आ रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी कैसी है। ऐसा है कि आउटपुट की फ्रिक्वेंसी डिपेंड करती है कि इनपुट का फीडबैक क्या आ रहा है। अगर वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन कर रहा है तो हमारा जो आउटपुट है वो भी, जो कंट्रोलर से निकलेगा वो भी फ्लक्चुएट करेगा उसी के अकॉर्डिंग। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए हमें यूज़ करता है पीआईडी कंट्रोलर। इसके बाद अगर हम आगे चलेंगे तो एक एग्जांपल से आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जिससे हमको पता चलता है कि कुछ दिक्कत है। तो सबसे पहले आपने देखा एक सेट पॉइंट डाल रखा है हमने, वो एक ग्रीन कलर की लाइन पे आ रहा है। सेट पॉइंट से ऊपर मेरा प्रोसेस वैल्यू, जो येलो कलर से दिखा है, वो मेरी एक्चुअल में प्रोसेस वैल्यू है। तो मेरी सेट पॉइंट से जितनी ऊपर गई है वो मेरा होता है ओवरशूट। ओवरशूट मतलब एक 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 सेट पॉइंट से जितना भी ऊपर जाएगा वो मेरा ओवरशूट होगा। जितनी बार जाएगा उतनी बार वो बोलेंगे इतनी बार ओवरशूट जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ओवरशूट आप ध्यान रखिएगा क्या होता है कि सेट पॉइंट से ज़्यादा जाने वाली वैल्यू को बोलते हैं ओवरशूट। उसके बाद रिपल क्या होता है, रिपल का इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन रिपल आपको याद रखनी चाहिए। जो मैक्सिमम ओवरशूट गया है उसका एम्पलीट्यूड की वैल्यू, यानी सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू और जितना नीचे आ गया है, यानी सबसे मैक्सिमम वैल्यू सबसे नीचे ज़्यादा वैल्यू फ्लक्चुएशन, उसे बोलते हैं दोस्तों रिपल। ये दो टर्म आपको याद रखना है। एक टर्म और है जो हम आगे आपको दिखाएंगे, आएगा इसी के आगे। अब आते हैं फीडबैक कंट्रोल। देखिए कंट्रोल लूप तो कई सारे होते हैं, उसमें सबसे पहले जो होता है कंट्रोल लूप वो होता है ऑन ऑफ कंट्रोल। सपोज करिए आपके घर पे हीटर है, मैं सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ, गीजर लगा हुआ है, आपने डाल रखा है 25 का मेरे पास पानी आना चाहिए। तो क्या करेगा हीटर, 25 तक हीट करेगा, जैसे 25 पहुंच जाएगा वो ऑफ कर देगा। जैसे ही 25 से नीचे आएगा हीटर तुरंत ऑन हो जाएगा, और फिर उसके 25 तक जैसे ही पहुंचेगा फिर ऑफ हो जाएगा, फिर 25 से नीचे आएगा। तो ये होता है ऑन ऑफ कंट्रोल। ये ऑन ऑफ कंट्रोल जो होता है दोस्तों, जैसा कि आप ग्राफ में देख पा रहे होंगे, बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीलेटिंग होता है, कभी ऑन होगा कभी ऑफ होगा। क्योंकि जब ऑन होगा तो बहुत ज़्यादा ऊपर भाग जाएगा वैल्यू, तो फिर उसे
वापस नीचे आने में टाइम लगेगा, जब नीचे आएगा तो फिर ऑन होगा, फिर धीरे धीरे और जब तक वो ऑन होगा उसे गर्म करेगा तब तक और नीचे टेम्परेचर आ जाएगा। तो इसमें बहुत सारे ओवर शूट आते हैं, यानी ऑन ऑफ कंट्रोल इज नॉट अ परफेक्ट कंट्रोल। ऑन ऑफ कंट्रोल हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें एक्यूरेसी बिल्कुल भी नहीं चाहिए होती, हमें मेरा काम बस होना चाहिए, तो उसमें ओवर शूट बहुत आते हैं हमारा। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि PID कंट्रोलर करता है क्या, कि कम से कम ओवर शूट हो और मिनिमम रिपल हो, तो वो होता है हमारा परफेक्ट PID कंट्रोलर। अब आगे चलते हैं प्रोपोर्शनल। जैसे कंट्रोलर तीन तरीके के होते हैं, उसमें तीन टर्म्स होते हैं, तो पहला टर्म है प्रोपोर्शनल। आखिरकार प्रोपोर्शनल करता क्या है, जब हमें ये पता चल जाएगा कि प्रोपोर्शनल क्या करता है, इंटीग्रल क्या करता है या डेरिवेटिव क्या करता है, तब हम आइडिया लगा पाएंगे कि पी की वैल्यू कितनी करनी चाहिए, आई की वैल्यू कितनी करनी चाहिए, तो ये आपको पता चलेगा। तो प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, एक प्रोपोर्शनल का एक तो आपने बहुत मतलब पढ़ा होगा कि जितना आप दोगे उतना आपको मिल जाएगा, वो होता है प्रोपोर्शनल। तो प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि जो सेट पॉइंट आपने जितना डाला और जितना आउटपुट निकल रहा है, तो जितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा होता है वो उतना ज़्यादा आपको PI, यानी कहने का मतलब है कि ट्यूनिंग द कंट्रोलर इज हार्ड जॉब, P इज टू हाई बॉर्ड अपन। अगर P बहुत ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो क्या होता है P जितना ज़्यादा रखेंगे तो रिस्पॉन्स उतनी जल्दी आपका पहुँचेगा, यानी ओवरशूट ज़्यादा क्रिएट होती है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर मैंने ग्राफ लिखा हुआ है, अगर आप प्रोपोर्शनल कंट्रोलर डालेंगे तो वो क्या करेगा, आपकी वैल्यू को ट्रैक करेगा, उसके बाद धीरे से फ्लैट हो जाएगा। लेकिन प्रोपोर्शनल कंट्रोलर जो है वो ऑन ऑफ को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, प्रोपोर्शनल का मतलब आप समझ गए होंगे कि जितना आपका डिफरेंस आ रहा है वो उतना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करेगा निगेटिव में, ताकि वो वैल्यू सेट पॉइंट के करीब आ जाए, और फिर जितना नीचे जाएगा फिर उतना पॉजिटिव क्रिएट करेगा, ऐसे धीरे करते करते जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। इसके बाद हम बात करते हैं इंटीग्रल कंट्रोलर की। इंटीग्रल कंट्रोलर बहुत ही बड़ा कंट्रोलर होता है। इंटीग्रल कंट्रोलर क्या करता है, वो जो ओवरशूट आ रही है उसे जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करता है। प्रोपोर्शनल क्या करता है, जितना ज़्यादा जाता है उतना निगेटिव उसे दबाने की कोशिश करता है। इंटीग्रल क्या करता है, वो जितनी जल्दी हो सके इन ओवरशूट्स को क्या करता है, धीरे धीरे खत्म करता है। तो आप देख रहे होंगे ग्राफ यहाँ पे कि जैसे जैसे आई की वैल्यू बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हमारे ओवरशूट्स जो हैं, यानी जो रिपल्स की फ्रिक्वेंसी है, जो रिपल्स की फ्रिक्वेंसी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो यानी आई की वैल्यू आप बहुत ज़्यादा नहीं रख सकते, आई की वैल्यू आप बहुत ज़्यादा रखेंगे तो हमारा कंट्रोलर फ्लक्चुएशन करने लगेगा बहुत ज़्यादा, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें इतनी आई की वैल्यू चाहिए कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना हो। इसके बाद आता है कि एडिंग डेरिवेटिव। डेरिवेटिव जो है जनरली हम यूज़ बहुत ही टिपिकल कंट्रोल लूप में करते हैं, जनरली हम करते नहीं हैं, लेकिन डेरिवेटिव कंट्रोल क्या करता है, वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है, वो ये वर्क करता है कि आखिरकार वैल्यू क्या आने वाली है, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग अपनी डी का कंट्रोल वो यूज़ करता है। बहुत ही फास्ट होता है, ओवरशूट आने से पहले उसे दबाने की कोशिश, यानी कंप्रेस करने की कोशिश करता है, ताकि ओवरशूट ज़्यादा जल्दी ना आ पाए। तो ये होता है डेरिवेटिव का काम, जो फ्यूचर में प्रिडिक्ट करके उसकी वैल्यू को हमारे सेट पॉइंट तक लाने की कोशिश करता है, जो हमारी प्रोसेस की वैल्यू है। तो अब ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे जो है पी और आई और डी के वैल्यू होती है। तो ये राइज टाइम जो क्या था, राइज टाइम मतलब जितनी जल्दी ऊपर जाता है वो होता है राइज टाइम, मतलब आपके सेट पॉइंट से जो वैल्यू प्रोसेस वैल्यू जितनी जल्दी ऊपर जा रही है उसको बोलते हैं राइज टाइम। तो KP अगर हम पी कंट्रोलर की वैल्यू क्या करते हैं, थोड़ा सा मैंने एक बना दिया है कि पी की वैल्यू अगर डिक्रीज, खाली पी की वैल्यू यूज़ करते हैं तो राइज टाइम क्या करता है, डिक्रीज करता है। ओवरशूट क्या करती है, इंक्रीज करती है। मैंने क्या कहा था, वो जैसा ऊपर जाएगा उतना निगेटिव जाएगा। और सेटलिंग टाइम, सेटलिंग टाइम क्या होता है दोस्तों, कि जितनी जल्दी वो सेट पॉइंट पे आ जाएगा और जो सिग्नल टू सिग्नल एरर होती है वो क्या होती है, कम करने लगता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है KI, KI में भी क्या होता है, राइज टाइम क्या हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है दोस्तों। और ओवरशूट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और सेटलिंग टाइम भी इंक्रीज होता है धीरे धीरे। और SS वाली जो एरर होती है, यानी सिग्नल टू सिग्नल एरर, वो धीरे धीरे एनिमिलेट हो जाती है, लेकिन पी कंट्रोलर में वो एलिमिनेट नहीं होती है। और DI कंट्रोलर क्या करता है, स्मॉल चेंज करता है राइज टाइम में, डिक्रीज करता है ओवरशूट को और सेटलिंग टाइम को भी, और SS की एरर जो होती है वो क्या कर देता है, तो उसमें थोड़ा सा चेंज आता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये हमारा ख़त्म हो चुका है। अब हम अगले जो मेरा टॉपिक आने वाला है, अगला वीडियो जो आने वाला है, वो मैं कंबाइंड कंट्रोलर बनाऊंगा कि पी कंट्रोलर क्या करता है, PI कंट्रोलर क्या करता है और PID कंट्रोलर क्या करता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको कुछ समझ में आएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है ये टॉपिक। अगर आपको ना समझ में आए तो कमेंट आप करके हमें फीडबैक दे सकते हैं और हमें बता सकते हैं। थैंक यू देखने के लिए।